एमएक्स प्लेयर की चर्चित और मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज आश्रम को दर्शकों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। सीरीज के पहले दो सीजन को मिले रिस्पांस के बाद मेकर्स को तीसरे सीजन का रिस्पांस भी काफी जबरदस्त देखने को मिला। बता दें कि सीरीज की कहानी के साथ ही लोगों को इसके किरदार भी बेहद पसंद आए। सीरीज के इन्हीं किरदारों में से एक है बाबा निराला के आश्रम की बबीता त्रिधा चौधरी और दूसरी कविता अनुरिता झा। जी हां, आपको बता दें कि सीरीज में इंटीमेट सीन्स को लेकर अनुरिता झा ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। अनुरिता ने बताया कि इस सीरीज में बोल सीन्स करने में जब उन्होंने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन दिया। आश्रम 3 में अपने इंटीमेट सीन के बारे में एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने कहा कि पहली बार है जब उन्होंने कोई इंटीमेट सीन किया हो, क्योंकि उन्होंने इसे पहले अपने करियर में कभी भी इंटीमेट सीन्स नहीं दिए थे। बोल सीन्स करने से पहले उन्होंने अपने पिता से परमिशन ली थी और उनसे पूछा था क्या मैं इस तरीके के बोल्ड और इंटीमेट सीन इस वेब सीरीज में कर सकती हूँ। इस पर उनके पिता ने उन्हें काफी जबरदस्त जवाब दिया और उन्होंने कहा कि तुम बिंदास अपना काम कर सकती हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश झा की वजह से वो शूटिंग में काफी कंफर्टेबल रही, माहौल को उन्होंने बहुत ज्यादा सेफ बनाया। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने कहा कि जब हम शूटिंग कर रहे थे तब सेट पर 4 से 5 लोग ही थे। सीन से पहले प्रकाश झा सर के साथ इस बारे में मेरी अच्छे से बात हुई थी, कोई डर नहीं था। मैंने इस बारे में बात तो कर ली थी लेकिन इसे करना कैसे है ये मैं नहीं जानती थी, क्योंकि जो मैं पहले स्क्रीन पर कर चुकी हूँ उसे करना जानती हूँ लेकिन स्क्रीन पर इंटीमेट सीन कैसे करूं। अनुरिता ने बताया कि मैंने अपनी सारी बात प्रकाश झा सर को बताई, उनसे शेयर करी और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। अनुरिता झा ने ये भी बताया कि उनका परिवार उन्हें काफी सपोर्ट करता है। साल 2020 में जब मैं मनाली गई थी तब लोगों ने मास्क में भी उन्हें पहचान लिया था। खास बात ये थी कि लोग उन्हें अनुरिता नहीं बल्कि कविता के रूप में पहचान रहे थे। अनुरिता पहली बार अनुराग कश्यप की साल 2011 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में नजर आई थी। फिल्म उन्होंने विनीत कुमार सिंह की पत्नी का किरदार निभाया था। वहीं वेब सीरीज आश्रम की बात करें तो सीरीज को डायरेक्टर प्रकाश झा ने निर्देशित किया है। सीरीज में बॉबी देओल ने निराला बाबा के किरदार को निभाया है जो फैंस को काफी पसंद आया। वहीं अब सीरीज का तीसरा सीजन एमएक्स प्लेयर पर 3 जून को स्ट्रीम होगा। सीरीज में तीसरे सीजन में बॉबी देओल के अलावा त्रिधा चौधरी, चंदन रॉय, सानियाल, दर्शन कुमार और ईशा गुप्ता जैसे स्टार्स भी अभिनय करते नजर आए हैं। दोस्तों, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि अनुरिता झा के इस बोल्ड सीन पर आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।